दीपक जी एंड रणदीप, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि 10th of June को अमित जी की भी फिल्म आ रही है 3, तो कुछ डर लगता है आपको फिल्म की रिलीज करने से? दीपक जी पहले आपसे जानना चाहिए। लास्ट वाले सवाल वाले वही होते हैं, चिल्लर जो बीच में बैठ रहे थे ना, अभी 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 उंगली करते हैं इनको। दीपक जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो फिल्म ऑब्वियसली इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, उसमें बड़े बड़े महारथी हैं एंड वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड लव ऑल ऑफ देम एंड आई थिंक देर इज इनफ स्क्रीन पेस, तो इसमें कॉम्पिटिशन की बात नहीं है। दे आर ऑल्सो हैविंग इनफ स्क्रीन्स, वी ऑल्सो हैविंग इनफ स्क्रीन्स, सो देर इज नो सच कॉम्पिटिशन बिटवीन अस। इसमें मैं बोलना चाहूँगा जी, ये दो फिल्मों की नहीं बात है, चार फिल्में थी इस दिन पे, दो पहले ही मैंने बताया कि दो पीछे हो गए, तो किसी भी बात का डर नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं है। रणदीप आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ में 3 फिल्म रिलीज हो रही है। All the best to them. They are very different films and they'll find their different audience. Okay, दीपक जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जयंती लाल जी ने कहा कि ये फिल्म जो है भट्ट साहब के फिल्मों की याद दिलाएगी, और अभी आपने लव स्टोरी की बात की, तो हम ऐसा माने कि एक दिन आने वाले दिनों में आप 50 Shades of Grey जैसी फिल्में बनाएंगे? मेरी और दीपक की बात चल रही है। yes, yes. और इसमें हीरोइन की भूमिका शायद रणदीप बता दो, नहीं बताना, सरप्राइज है वो। एक्चुअली वी आर मेकिंग 61 शेड्स। यस, 50 इज नॉट इनफ। यस, और शेड्स में हीरोइन रहेंगी। दीपक जी आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। इन्होंने दिया। दीपक सर बोलिए सर। सर सही कहा सर, इन्होंने ऑलरेडी हमारा सब चल रहा है प्लानिंग 61 शेड्स का। जी इस टाइटल की एक कहानी है अलग। इस टाइटल को मुझे मतलब इतने लोगों ने हिलाया है इस टाइटल को लेकर कि ये टाइटल चेंज होना चाहिए। उसमें से हम भी हैं। मैं बहुत ही नालायक आदमी हूँ, मैं इस बात से नहीं हिला कि यही टाइटल होगा, तो बस मैंने यही रखा।